हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी लर्निंग हब। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 12.3 एंड द क्वेश्चन इज इफ एम इक्वल्स टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। की वैल्यू हमें क्या रखना है इक्वेशंस में, 2 रखना है एंड देन वी हैव टू सॉल्व देम। सबसे पहले आपको दिया हुआ है एम माइनस 2 और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एम की वैल्यू कितनी है 2, तो हमने एम की जगह 2 लिख दिया। देन वी हैव माइनस 2 एंड 2 माइनस 2 0, दिस इज़ योर आंसर। अगेन सेकेंड पार्ट, 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई एम, तो एम की वैल्यू कितनी है 2, ये हो गया आपका 9 माइनस 5 टू ज़ा 10, पॉजिटिव का 9 है माइनस का 10, तो प्लस 9 में माइनस 10 हो जाएंगे तो कितना आएगा माइनस 1। हे अगेन 3 मल्टीप्लाई एम की वैल्यू कितनी है 2 और पावर अगेन माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 7। अब क्या करेंगे, 3 है मल्टीप्लाई 2, 2 की पावर 2 का मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। देन 2 टू ज़ा 4 माइनस 7, ये हो जाएगा आपका 3 टू ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12, 12 माइनस 4 एंड माइनस 7, ठीक है। तो 12 माइनस 4 कितना होता है 8, ठीक है। फिर बचा आपके पास माइनस का 7, 8 में से 7 गए तो 1, ओके। देन अगेन हियर 5, एम की वैल्यू आपकी 2 है अपॉन 2 माइनस 4, ये मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर एंड दिस इज़ योर डिनोमिनेटर, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन ये और ये कैंसिल नहीं हो सकता है क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, ठीक है। तो आपके पास बचा माइनस 5, सॉरी प्लस 5 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 1। हियर अगेन 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5, तो 3 टू जा 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1, सो आंसर।